सभी को राधे राधे, जय हिंद। ये जैसा कि मैं आप लोग पता है कि आप लोग को UPLA विधानसभा का RO/RO की वैकेंसी आई है, ठीक है। RO/RO की वैकेंसी आई है, ठीक। ये RO का पेपर है, ये RO का पेपर है, ये प्रीवियस ईयर है। ये 2015 में इसकी वैकेंसी आई थी, जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, बट किसी ऑफिशियल कारण की वजह से हो नहीं पाया। और ये एग्ज़ाम अगस्त 2016 में हुआ, ठीक है, अगस्त 2016 में हुआ। अच्छा, समझ लीजिए कि उस बार पैटर्न क्या था। इस बार और उस बार में पैटर्न में चेंजेस है। पहली बार जो पैटर्न था उसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन GK का, 25 क्वेश्चन हिंदी का और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आया था, है ना। हालांकि और 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट आपको मिला था 90 मिनट में। हालांकि इस बार में पेपर में चेंजेस है, ठीक है, पैटर्न में। तो आप ये पेपर देख सकते हैं कि सामने पेपर है, ठीक है, कि कैसा पेपर आया था। आप इस चीज़ को मिला सकते हैं कि क्या पैटर्न था, कैसा कुछ था, है ना। तो कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस लेवल का पेपर आया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो पेपर बहुत हार्ड नहीं था, पेपर सिंपल ही था, ठीक है। कट ऑफ इसकी बहुत हाई गई थी, कट ऑफ इसकी काफ़ी हाई गई थी, क्योंकि पेपर भी सिंपल था, पेपर बहुत ज़्यादा था नहीं, मतलब पेपर बहुत लेवल हाई नहीं था। देखिए 25 क्वेश्चन ये हैं, ये जो आए थे आपके GK के, ठीक है, GK GS से। अब ये आपके आते हैं हिंदी के, ठीक, हिंदी व्याकरण के 25 क्वेश्चन। ये आपके सामने पेपर है हिंदी व्याकरण के, ये 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है ना। आप इसको देखिए, ये हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक। या मैं आपको और आराम से ऊपर से GK के क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, देखिए, जिसको आप इसको आराम से देख लीजिए कि आपके जो भी कुछ पता चल जाए कि आपका कैसा पेपर आया था और किस हिसाब से इस बार पेपर बन सकता है, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग द कंसिडर हेड ऑफ द कंट्री, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे हमारे, है ना। सब सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, एकदम बेसिक्स के से फैक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये एकदम। यही आप यहाँ देखिए, उस समय के वर्तमान इंडियन क्रिकेट के कोच का नाम पूछा था, उस समय के 2016 में, है ना। आप यहाँ क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, 25 क्वेश्चन GK के हैं और ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, निराहार शब्द का अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्त, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको हिंदी का मिला है ना, हिंदी के। और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, 25 25 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ मैथ्स के आपको आप देख सकते हैं, मैथ्स ये यहाँ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। और पिछले बार के पैटर्न में सब आया था, मैथ इंग्लिश इंग्लिश नहीं था, मैथ रीजनिंग हिंदी और GK था, है ना। 25 क्वेश्चन ये थे, आप इसको देख सकते हैं। और पिछली बार और इस बार में पैटर्न में चेंजेस है, जो कि उसमें दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में कि कैसा आया था, ठीक है। MCQ वाइज पेपर हुआ था इसका, MCQ में था और ऑफलाइन पेपर था, ठीक है। ये सामने है पैटर्न को, क्वेश्चन बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये तो मैथ्स के थे, ठीक है, बस 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो ये पैटर्न था एग्ज़ाम का, पेपर का लेवल था, जो कि मैं आपको दिखा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बेसिकली बस इससे आप अपना आइडिया लगा लोगे वो करना कैसे है, करना क्या क्या है,
है ना, किस किस टॉपिक से पूछा था, ये चीज़ आपका आइडिया लग सकता है। ठीक है, अभी विधान परिषद का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ उसी पैटर्न पे अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को राधे राधे, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।